मिठाई लाल भारती जी और दूसरे हमारे राहुल भारती, मैं इन दोनों को बधाई देता हूं। आज इनके राष्ट्रीय कार्यकारिणी और पदाधिकारियों की बैठक थी। मुझे उम्मीद है कि आज इस मीटिंग में जो जो जानकारी मिली है उस जानकारी के साथ गांव-गांव जाकर के और अपने लोगों के बीच बैठकर के समाजवादी पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए उस दिशा में काम करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर रामनो लोहिया दोनों के विचारों को लेकर के निकलेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है, जिस लोकतंत्र की दुहाई दुनिया में हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, आज उसी के सामने संकट पैदा कर दिया है। जहां लोकतंत्र को खतरा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की ये भी तैयारी है कि नई लोकसभा के साथ साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान को भी बदलने की तैयारी है। इनका रास्ता भारतीय जनता पार्टी का, समाज को कैसे तोड़ें, समाज के लोगों को कैसे अधिकारों से वंचित किया जाए, जिन अधिकारों के लिए ये समाज लड़ा है, शोषित वंचित गरीब समाज ने जो संघर्ष कर करके अपनी ताकत बनाई थी, उस ताकत को कैसे खत्म किया जाए, उन अधिकारों को कैसे छीना जाए, उस दिशा में लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। आज सवाल यह है कि सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं, आउटसोर्स के बहाने जो अधिकार हैं उनको छीना जा रहा है। इसलिए आने वाले समय में बहुजन समाज मिलकर के समाजवादी पार्टी को और मजबूत करेगा। अखिलेश जी, बिहार के जनता इस बात की, ये बहुत पुरानी लड़ाई है। यहां बहुत सारे साथी ऐसे बैठे हैं जिन्होंने बहुजन समाज में के बीच बैठे भी हैं और माननीय काशीराम जी का वो सिद्धांत, क्योंकि भागीदारी आबादी के हिसाब से हो, या समाजवादियों ने जो नारा दिया था कभी कि पिछड़े दलित पाए 100 में 60, या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से लेकर के नेताजी ने, या आपको वो समय याद होगा जिस समय कांग्रेस की सरकार थी और देश के खासकर दक्षिण भारत के जितने भी नेता थे, नेताजी, शरद यादव जी और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने उस समय मांग की थी कि जो ये सेंसस होने जा रहा है इसमें जाति के आधार पे भी कास्ट सेंसस हो, कास्ट सेंसस भी हो, जातियां भी गिनी जाएं। लेकिन उस समय की सरकार ने गिनती की लेकिन आंकड़े कभी बाहर नहीं आए। आज बिहार ने जो सर्वे किया है और जिस तरीके से जातियों के आंकड़े आए हैं, मैं समझता हूं बिहार ने एक नई क्रांति जगाई है। अंतोगत्वा चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या कहीं की सरकार हो, उन्हें जाति जनगणना करनी पड़ेगी और हम समाजवादी पार्टी के लोग पहले दिन से इसके पक्ष में हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए और कास्ट सेंसस से कम ये पता लगेगा हमारी आबादी का स्वरूप क्या है, हम उन गरीब लोगों को कैसे मदद करें। पॉलिटिकल इक्वालिटी आना और समाज में बराबरी आना, सामाजिक न्याय तभी संभव है जब जाति जनगणना पूरी होगी और जाति जनगणना के तहत अगर पॉलिसीज बनेंगी तो सामाजिक न्याय जिसकी कभी कल्पना की थी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान के तहत, वो हमारे पूरे होंगे। सर, इसी जुड़ा हुआ सवाल है, बात फैल जाएगा, उनको कैसे जवाब देंगे आप? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने एक किताब लिखी है,
जाति को लेकर एलिमिनेशन ऑफ कास्ट। और वहीं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने किताब लिखी है जाति तोड़ो। और समय समय पर हमारे समाज में महापुरुष या बहुत से साधु संत इस तरह के आए जहां बुराइयों के खिलाफ लड़े हैं या जातियों को कैसे जोड़ा जाए, जातियों में भेदभाव कैसे खत्म किया जाए, उस पर काम हुआ है। जाति जनगणना के बाद मैं समझता हूं समाज में सब हक और सम्मान के साथ जी सकेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है जो इस तरह की बात कर रही है, उनके सोच के लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। कास्ट सेंसस से सामाजिक न्याय होगा और जितना सामाजिक न्याय हम समाज में देने में कामयाब होंगे उतना ही समाज हमारा सम्मान से जिएगा। कांग्रेस भी अब जातीय जनगणना को लेकर अपने चुनावी घोषणा में लेके आ गई, क्या राष्ट्रीय जो चुनाव होगा उसमें भी सारी चीजें रहेंगी? देखिए ये मैंने कहा था चमत्कार है, ये चमत्कार हुआ है डेमोक्रेसी में कि कांग्रेस पार्टी भी अब कास्ट सेंसस की पक्ष में है। 2024 का जो चुनाव होगा उसमें सभी जो इंडिया गठबंधन सभी लोग रहेंगे इसमें? 2024 का चुनाव एनडीए को कोई हराने जा रहा है तो वो है पीडीए। पीडीए हराएगा एनडीए को। सर अभी आप, सर, आपके अभी आपने चैनल ऐसे होंगे जिनकी पे भी छापे पड़ चुके हैं और मुझे खुशी है उस बात की कि यहां जो चैनल हैं अभी एक आध बचाओ तो बचा हो और आप इस रिकॉर्ड को ठीक करिएगा और इस बात को जरूर कहिएगा। ये जितने हमें चैनल दिखाई दे रहे हैं, ये जो नए बने उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये जितने चैनल हैं इन पर भी समय समय पर आईटी, इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई के छापे पड़ चुके हैं। ये कोई नई चीज नहीं है, ये जितने ही छापे पड़ेंगे उतने ही देश की जनता नाराज होगी भारतीय जनता पार्टी से। अभी मैं प्रतापगढ़ में कह रहा था कि 100 करोड़ लोग इनसे नाराज हैं, क्या 100 करोड़ लोग यहां छापा मारोगे आप? भाई 140 करोड़ में 100 करोड़ लोग नाराज हैं, खिलाफ हैं, तो क्या 100 करोड़ लोगों की गिरफ्तारी होगी? आज 101 करोड़ हो गए, 1 करोड़ और बढ़ गए, तो आप में से छापे पड़ चुके होंगे। आप बताओ कौन से चैनल पे नहीं छापे पड़े, मैं बता दूं, बताओ कब पड़ा छापा? यहां जितने लोग हैं कोई हमारा पत्रकार साथी किसी चैनल का नाम ले उसका गूगल करके देखना कि कब छापा पड़ा था उस पर, इनकम टैक्स वो बता देंगे। मैं और चैनल की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन आप जानते हो सबके पड़े हुए छापे। इसलिए छापा ही इसलिए है कि लोग डर जाएं, लोग एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।